नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम आलू से बनी ये लेयर्स मटर की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसको बनाना बेहद आसान है। इसको हम हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। आप देख सकते हैं कितने सारे लेयर्स इसमें बने हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मटर के लिए आटा तैयार करते हैं। उसके लिए एक कटोरी मैदा ले लेते हैं। इसमें 2 चम्मच बेसन मिला लेते हैं। बेसन मिला लेंगे तो मटर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं। साबुत जीरा जब हम मठरी में डालते हैं और मठरी हमारा फ्राई होता है तो जीरा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जीरा भी फ्राई हो जाता है मठरी के साथ, तो जीरा जरूर डालें। और आधा छोटी चम्मच अजवाइन डालते हैं। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे। इसको कम मसालों में बनाएंगे और साबुत मसालों के साथ बनाएंगे। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। मठरी में ज़्यादा नमक नहीं डालते हैं। और थोड़ा सा काली मिर्च डाल देंगे। काली मिर्च को हमने ऐसे ही दरदरा कूट लिया था। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक कटोरी मैदा में यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया। इसको डाल देते हैं। अगर आप 1 kg मैदा का बना रहे हैं मटरी, तो उसमें 240 ml आपका ऑयल होना चाहिए। ऐसे अगर घी के साथ बना रहे हैं तो 200 ml ले लीजिए आप ऑयल, और 40 g इसमें घी मिला सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें घी भी मिला देते हैं। घी पिला देने से मटरी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसको अच्छे से मिक्स करके क्रम्बल जैसा तैयार करेंगे। एक जगह इकट्ठा नहीं करना है, बस क्रम्बल जैसा बनेगा। और उबाल के हमने आलू रखा था 1 बड़े साइज का, उसको ठंडा होने के बाद कद्दूकस कर लिया है। आप कभी भी आलू को कद्दूकस करें तो ठंडा होने के बाद कद्दूकस करेंगे तो ये आसानी से कद्दूकस हो जाते हैं। आलू को भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। आलू को मिक्स करने के बाद अगर देखेंगे डो हमारा टाइट तैयार हुआ होगा तो थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। थोड़ा सा अभी टाइट लग रहा है, इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो नहीं पा रही है। थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। बस 1 चम्मच पानी मिलाएंगे, ज़्यादा पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हम डो को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए साइड में रख देते हैं। इसकी लेयर बनाने के लिए घोल तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 1 चम्मच घी ले लेंगे और घी में सूखा मैदा डाल के 2 छोटे चम्मच हम मैदा मिला रहे हैं और इसका घोल तैयार करेंगे। इसी घोल के वजह से हमारी जो मठरी बनेगी उसमें बहुत सारे लेयर्स बनेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घोल हमारा तैयार हो गया है। और मठरी के जो हमने लोई तैयार किए हैं 4 कुछ इस तरीके से, इसको बेल लेते हैं। हम 3 लेयर बना रहे हैं। 3 जो हमारी लोई है उनको बेल के और उसका लेयर तैयार करेंगे। आप चाहें तो थोड़ी सी छोटी छोटी लोई लेके और 4 या 6 लेयर के भी बना सकते हैं। 3 को पहले बेल के हम एक साइड रख लेते हैं। उसके बाद इसका लेयर तैयार करेंगे। पहले 1 बेल लेते हैं, उसके ऊपर से लगा लेते हैं इसको। और कुछ इस तरीके से हमने लगा लिया है। इसके बाद दूसरा जो बेल के रखे हैं उसको इसके ऊपर से रखेंगे और इसके ऊपर भी कुछ इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद तीसरा जो हमारा है उसको रख के, रखने के बाद इसको पहले बेल लेते हैं। अभी थोड़ा सा मोटा लग रहा है, बेल लेंगे तो ये पतला हो जाएगा। जितना बड़ा हम बेल सकते हैं इसको बेल लेते हैं। उसके बाद जो हमने घोल अभी रखा हुआ है तैयार करके, उसको इसके ऊपर से लगाएंगे और उसके बाद कुछ इस तरीके से हम इसका एक रोल तैयार करेंगे। रोल तैयार करने के बाद, थोड़ा सा बड़ा हमारा रोल है तो इसको बीच से काट के और छोटा कर लेते हैं। इसके बाद अच्छे से थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से इसकी लोई हम तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसको बिना बेले भी बना सकते हैं। अगर आपको मोटी मठरी चाहिए तो थोड़ा सा हाथ से चिपटा कर लेंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा पतली चाहिए इस वजह से यहाँ पे हम थोड़ा सा बेल लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करते टाइम आपको ध्यान देना है कि फ्लेम आपका लो मीडियम होगा और उसी फ्लेम पे आप फ्राई करेंगे तो मठरी हमारी ज़्यादा खस्ती तैयार होगी।